भाई गोविंदा भाई पछ जुग मनो गिरिंदा हर श्री राम तब कीन पयानो सगुण भय सुंदर सुबनाना जासु सकल मंगल मय कीति तासु पयान सगुन यह नीति जय जय सगुन जान की होई असगन भयो रानी सोई चला कटक गौ भरने पारा कर जय वानर वालो बारा नकायत गिर पाद बथारी चले गगन में इच्छा चार हे हरि राम भालु कब करे जगमगान दे कच्छ करे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हर हर महादेव हाथी चिंघाड़ने लगे शेर दहाड़ने लगे राम जी की सेना चली पापियों के नाश को धर्म के प्रकाश को धर्म के प्रकाश को राम जी की सेना चली राम जी की सेना चली राम जी की सेना चली घोर अंधकार में घोर अंधकार में पाप अनाचार में पाप अनाचार में एक नहीं ज्योति जली राम जी की सेना चली होए हो एक नहीं ज्योति जली राम जी की सेना चली चिकर ही दिक्कज डोल मही गिरी लोल सागर खर भरे मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाग चित्तर दुख करे कट कट ही मर कट विकट भट बाँ गोट गोट न धावे जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुट गन गावहि सही सकन भान उतारे पति बार बार मोहि कह कसन पुटि कुटि कमच बंच कठोर सोके रघुवीर उचन प्रयाण प्रसिद्ध जान परम सुहावनी तनु कमट कर पर सर्प राज सो लिखत अब चल पावनी तनु कमट कर पर सर्प राज सो लिखत अब चल पावनी तनु कमट कर पर सर्प राज सो लिखत अब चल पावनी शेष नाग जिन पर पृथ्वी टिकी है डोलने लगे डर के कच्छप जी की पीठ पकड़ लिए कौन जा रहा है कच्छप जी ने कहा ये राम जी की सेना जा रही है इतनी बड़ी सेना ये धरती कंपायमान होने लगी हाँ हाँ इतनी बड़ी सेना लेकर राम जी जा रहे हैं रावण से युद्ध करने के लिए कि यही विधि जाए कृपा निधि उतरे सागर दी जहां तह लागे खान पिल भालु विपुल कपिबी राम जी की पूरी सेना रामेश्वरम आ गई वहां पर एक स्थान है धनुषकोटि वहां पर राम जी की सेनाओं का पड़ाव लगा जहां दूर से लंका नगरी दिख रही थी ये प्रसंग यहां समाप्त हुआ आगे चले लंका की ओर लंका में विचार विमर्श हो रहा है गली मोहल्ले चौराहों पर चर्चा का विषय एक ही है कि राम जी की सेना का छोटा सा बंदर आया था और हमारी लंका नगरी को चलाकर चला गया जब राम जी की पूरी सेना आएगी तो हमारा क्या होगा मंदोदरी समझाती है रावण को उनके नाना माल्यवंत समझाते हैं उनके पिता शिष्यों के साथ संदेश भिजवाते हैं मुनिपुलिस्त कि सीता को सौंप दिया जाए राम जी से संधि कर ले जाए युद्ध को टाला जाए लेकिन रावण किसी की नहीं समझता है विभीषण जी एक नहीं दो बार समझाते हैं लेकिन अंत में राम जी विभीषण जी को रावण चरण से प्रहार कर सभा से बाहर कर देता है आइए उस प्रसंग की ओर चले श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री
उहा निसाचर रहे ससंगा जब ते जारी गयो कपिलंका जा सुदूत बल तर निन जाई तही आए पुर कवन भलाई रहस जोरी पर पति पग लागी बोली बचन नीति रस पागी समझ से जास दूत कई करनी श्रमई कर बरजनी चर घरनी ता सुनार निज सचिव बोलाई पटवाहु कंठ जो चाहो भलाई तब कुल कमल बिपिन दुखदाई सीता सीत निशा सम आई सुनहु नाथ सीता बिनु दीन जितना तुम्हार सब अजगीन है राम बाण आई गन सरिसा निकर निसाचर भेक जब लगी रसतन तब लगी जतन करो तज टेक शवन सुने सटता करी बानी बेसा जगत विदत अभिमानी सबय सुभाव नार कर साचा मंगल बहु भय मन अति खाचा जो आवई मर कट कच काई जी विचार निश्चर खाई हम पहलो कप जागी त्रासा सुनारी सभीत बड़ी हासा अस कई भी असिता ही उर लाई चलो सभा ममता अधिकाई मंदो तरी रथय कर चिंता भयो गत्य पर विधि विपरीता बैठो सभा खबर सिपाही सिंधु पार सेना सब आई पूजन सचिव उचित मन गाओ ये सब हसे मस्त कर रहो जितों सुरा सुर तब शम नाही नर बानर कहीं लेखे मार श्री राम जय राम जय जय सचिव वेद गुरु तीन जो प्री बोले भया आज धर्म तन दीन करम होई पे कही ना सोई रामल कौ बनी सहाय अस्त ते सनई सदाई सुनाई अवसर जाओ दिन भीषण मुनि सिर नाय बैठ निज आसन बोला वचन पाई अनुशासन जो कृपाल पूछो मई बाता मति अनुरूप कहो हित दाता जो आपन चाहे कल्याणा सुजत सुमत सुभ गत सुतनाना सो पर नार जलार कुसाई कजो चौथ के चंद गिराई चौदह भुवन लेक पति होई भूत द्रोह तिस्तय नहीं सोई गुण सागर नागर नल जो काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ सब परिहर रघु पीर रही भजौ बजे जय संत हे तात राम नय नर भूपाला भुवनेश्वर कालो कर काला ब्रह्मा नाम है अज भगवंता व्यापक हृदय अनादि अनंता गोत जथैन देव हितकारी कृपा सिंधु मानस तलहारी जन रंजन भंजन गल भ्राता भेद धर्म रक्षक सुरभ्राता काही बयन तज नाय माता बंतारत भंजन रघुनाथा देहु नाथ प्रभु कहु मेरे बजहु राम बिनु हे तुसने ही शरण गए प्रभु क्या हुन त्यागा विष्ण द्रोह अग्रद अग जहि लागा जासु राम ते जावन सावन सोई प्रभु प्रकट समझ जी रावन बार बार पद लागौ विनय करौ दसीस हरि हरि मान मोह मल भजहु कोसलाधीश पुलश निज शिष्य सना कहीं पचही आवात तुरत में सुन कहीं पाई सोम सरदाते माल्यवंत अति सचिव सयाना काही वचन तज का मन आना तुनु जब नीति विभूषण सोर धरो जो कहत विभीषण विभूत कर शकहत सट दो दूर न करो याए को माल्यवंत कर गयो बहोरी कही विभीषण पुर कर जोरी सुमत कुमत सब के उर रही नाथ पुराण निगम अस कहे जहां सुमत का संपत्ति दाना जहां कुमत का विपत्ति निदाना कुमत बसी विपरीता हित अनहित मानव रित प्रीता काल रात निंदर कुल केरी तेह सीता पर प्रीति गनेरी तात चरण गई मांग्यो राखो मोर दुलार सीता देहु राम क्यों अहित न होई तुम्हारी बुध पुराण शुद्ध सम्मत बानी कहीं विभीषण नीति बखानी सुनत सानन
जीसी सदा सच मोर जे आवा रूप कर पछ मोड़ तई भावा कहसन फल अस को जग माही मुझ बन जाहि जे नामे लाही मम्मुर मस तपसिन पर पीती छड़ मिल जाए थी न निगाहु नीति अस कही की निज चरण प्रहारो अनुज कहे पन बारे बारा उमा संत का कही बड़ाई मंद करत जो करही भराई तुम मित सरस भले मोहि मारो राम बजे हित नाथ तुम्हारा सचिव संग ले नब पद कह हूँ सब सुनाय कहत सभय हूँ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल मस्तोरी मैं रघुवीर शरण अब जाऊं दे परी सभा में रावण ने विभीषण को चरण से प्रहार किया और सभा से बाहर कर दिया। राम जी की शरणागति प्राप्त करने के लिए नवपथ से विभीषण जी चले। सभा सदों ने पूछ लिया कि कहां जा रहे हो। विभीषण जी ने कहा मैं राम की शरण में जा रहा हूं। अरे तुम रावण के भाई हो, निश्चर वंश का हो, राम जी तुम्हें शरणागति देंगे। विभीषण जी ने कहा मैं राम जी के स्वभाव को जानता हूं, वे कृपा सिंधु हैं, कृपा के सागर हैं, वे मुझे अवश्य शरणागति प्रदान करेंगे। राम जी की शरण में गए विभीषण जी। मुझे लगी राम संग प्री ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मन कामी ये दुनिया क्या जाने। बार बार इधर ना आए, कैमरा चल रहा है, आपकी भीड़ दिखती है, उधर इकट्ठी कर लें एक तरफ, किसी के साथ दे दें। आइए प्रेम से राम जी का 2 मिनट का कीर्तन, फिर आगे का पाठ। मुश्किल से आधी घंटा लगेगा, फिर आपकी छुट्टी। प्रेम से राम जी की शरणागति में चलो, ताली बजाते हुए। पल तेरी याद सतावे मुझसे अब रहा न जाए, पल पल तेरी याद सताए मुझसे रहा न जाए, बाबा तेरे बिना, बाबा तेरे बिना, बाबा तेरे बिना, बाबा तेरे बिना, बाबा तेरे बिना। मुझे लगी राम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, लगी राम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई 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 क्या जाने, मुझे मिल गया जहो, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत क्या जाने। अस कहीं चला विभीषण जब ही आयुहीन भाई सब तब ही साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याणी अखिल के हानि, रावण जब ही विभीषण त्यागा चलो हर्ष रघुनायक पाहि करत मनोरथ बहु मन माहि, देखियो जाई चरण जल जाता अरुण मृदुल सेवक सुख दाता, जे पद पर सितरी ऋषि नारी दंडक कानन पावन कारी, जे पद जनक सुता उर लाए कपट को रंग संग धर धाए, हर उर सर सरोज पद देही अहो भाग्य में देहौ देही, जिन पायन के पादुकनी भरत रहे मन लाए, ये पद आज बिलोकी हाऊं इन नए नई अब जाए, यही विधि शरत सप्रेम विचारा
आयो सब जसिंदी हिमारा कपिल में भीषण आमत देखा जाना कुल्प दूत विशेषा ताही राक कपिस पै आए समाचार सब ताही सुनाए कसु ग्रीव सुनाऊ रघुराई आवा मिल रदानन भाई कहां प्रभु सखा पूछिए कहा कहां कपिस सुनाऊ नरनाहा जानिन जाइन साचर माया राम रूप के कारण आया भेद हमार लेन सच आवा राखी वाली मोही अस भावा सगा नीत तुम नीकी विचारी ओ पर शरणागत भय हारी सुन पौ वचन हर्ष हनुमाना शरणागत वचन भगवाना शरणागत गौ जय तजहि निज अलग डरते आगे कपि वानर चले जहाँ रघुपति कर नाकर दूरी ते देखे तो प्राता नारंत दान के दाता बहुरे राम सभी दाम दिलों की रहो चकत तक चक पल रोकी मुझ प्रलंब कर जा सुन रोचन शामल गाज पर रहे भय मोचन सिंध कंधिया यतूर सोहा आलन मित मदन मन मोहा नर नीर पुल कृति अधिकाता मन धन धीर कही मधुबाता नाथ दसानन कर मैं भाता निश्चर बंस जन्म सुर धाता सहज पाप प्रेता मत देहा जथा उलो कह दम पर नेहा शवन सुजस सुनियायो प्रभ पंजल भावीर ताही आरती हरन करन सुखत रघुवीर अस गई करत दंडवत देखा तर दो जय वो हर तीन बचन सुन प्रभु मन भावा मुझ विशाल गए हृदय लगावा दुज सहित मिल जग बैछारी बोले बचन भगत भय हारी कहु लंकेश सहित परिवारा कुशल कुठा हर वास तुम्हारा खल मंडली बसों दिन राती सखा धर्म ने बहें कई बाती ते जानो तुम्हारी सब रीति हते नैन कुन न भाव रीति बरु भल बास न रख करता था दुष्ट संग जल दही दुदाता अब पद देख कुशल रघुराया जो तुम की निजान जन दाया तब लग कुशल जीव कहूं सपन उमल विश्राम जब लगे वचन राम कहूं लोक धाम तजिकाया तब लगे हृदय बसत कर लाना लोग मोह मत चर मगवाना जब लगे उर न बसत रघुनाथा धरे साफ सायं कड़ी भाता मम दादन न दमे अलियारी राग देश उलुक सतकारी जब लगे बसत जीव मन मागी जब लगे प्रभु प्रताप रब नागी अब मैं कुशल मिटे भय भारे देखि राम पद कमल तुम्हारे कृपाल जाकर अनुकूल चाहे राम मैं निसजर अधि अधम स्वभाव शुभ आचरण न किन नहीं काव अहो भाग्य मम ममित ते राम कृपा सुत पुंज देखियो नयन बिरंज शिव देव जुगल भज गंज सुनो सका निज काउ सुभाउ जान बुसुन न सम गिर जाउ जो नर होई चराचर कोई आवे सब शरण ठगि मोही तज मत मोह कपट छल लाना करौ सत्य तई साथ समान जननी जनक बंधु सुरदारा धनु धन भवन सुहद परिवार सबके ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांधि परिडोरी समदर से इच्छा कछुराही हरस शोक भय नहीं मन असच्चन ममोर बस कैसे लोभी हृदय बसौदन जैसे तुम सारे के संत प्रिय मोरे धरो देह नहीं आन निहोरे सगुन उपासक पर हित रामा निरतन नित दण दम सिय रामा हे नर प्राण समान मम रामा जिनके दुज बल रे प्रिय रामा सुन लंकेश सकल गुण तोरे ताते तुम अतिशय प्रेमो रे राम वचन सुनि बानर जूठा सकल कहै जय कृपा वरूठा सुनत भीषण प्रभु कहे बानी नैया गात सब राम रत जानी मदन अमूज कहि बारे इमारा तधर समात न पेबू पारा सुनो देव सचराचर स्वामी अन्नत पालो अंतर जामी उर कछ प्रथम भास न रही प्रभु मज प्रीत हित सोहाई अवग्रपाल निज भगत पावनी देव सदा शिव मन भावनी मस्त कहि प्रभु रण धीरा मांगा
दुर्ग सिंधु करनीरा यद्यपि सखा तव इच्छा नाही मोर दरस अमुख जग मान कहे राम तिलक तई सारा सुमन रावण क्रोध अनल निज श्वास जमीन प्रचंड चरत विभीषण राक्यो तीनौ राजु अखंड जो सम्मति शिव रावण ही दिन दिए दशमाथ कोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ विभीषण जी पर कृपा हुई। प्रभु श्री राम ने समुद्र से जल लेकर विभीषण जी का राज्याभिषेक कर दिया, लंका का राजा बना दिया बिना रावण को जीते। ये प्रभु श्री राम की कृपा थी कि उन्हें शरणागति प्राप्त हुई, राम जी का वरदहस्त उन पर रहा। जो संपत्ति शिव राम ने रावण ने 10 शीश काट कर भोलेनाथ के चरणों में समर्पित कर दिए वो संपदा भोलेनाथ ने दी, लेकिन राम जी ने वो संपदा विभीषण को दी जो भोलेनाथ राम रावण को कम कर दी। ये लंका का राज विभीषण जी को दे दिया। ऐसे करुणा सागर कृपा सिंधु भगवान की जयकार करते हैं, बोलिए बोले श्या बल रामचंद्र भगवान की जय। जैसे विभीषण जी पर कृपा करी, हे प्रभु श्री राम हमको भी शरणागति प्रदान करना, हम पर भी कृपा करना, ऐसे दयालु कृपालु से रोज मांगना। चलिए आगे के प्रसंग की ओर चले। राम जी और विभीषण जी का संवाद हुआ। राम जी ने विभीषण जी से कहा कि हमारी सेना उस पार जाना चाहती है, सामने दूर लंका नगरी है, बीच में 100 योजन का समुद्र है, कैसे जाएगी। विभीषण जी ने कहा आपके कुल गुरु हैं समुद्र, आप एक बाण का संधान करें, ये समुद्र सूख जाएगा, आपकी सेना उस पार चली जाएगी। लेकिन प्रभु श्री राम इसमें संसार आपकी मीमांसा करेगा, बुराई करेगा कि राम जी ने स्वार्थ की पूर्ति के लिए समुद्र को सुखा दिया। फिर राम जी ने कहा क्या करना चाहिए विभीषण। विभीषण जी ने कहा कि चलकर समुद्र से प्रार्थना करना चाहिए, वो कोई उपाय बता दे, कोई रास्ता दे दे। चलिए राम जी ने कहा चलो विभीषण जी आप चलें और लखन जी आप चलें, चलो समुद्र के किनारे चलकर समुद्र से प्रार्थना करते हैं। राम जी विभीषण जी लखन जी समुद्र के किनारे चल रहे हैं। आइए इस प्रसंग की ओर चलें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु छाड़ी बजे जय आना, दे नर पशु बिन पूछ बिसाना। निज जन जाहि दाहि अपनावा, सुनियो न वक्त सर्व उर बासी, सर्व रूप सब रही तो उदासी। बोले वचन नीच प्रतिपालक, कारण मनुज तनुज कुल घालक। सुन गपि सलंका पति वीरा, दही विधि तरही जल दिगंभीरा। कहा लंगे सुनऊ रघुनायक, कोटि सिंधु सो शक तब सायक। जगत तदप नीति विनय करिय सागर सन जाई। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जल्दि कहे उपाय विचार, बिनु प्रयास सागर तरी सकल भालु कपिधारी। ए सखा कहीं तुमने की उपाय, करे देव जो हो साय। मंत्र नय लक्ष्मण मन भावा, राम भजन सुनियत दुख पावा। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोषहिं सिंधु करहिं मन रोसा। आदर मन कहो एक आधारा, देव देव आलसी पुकारा। सुनत भी हंस बोले रघुवीरा, ऐसे करम धरो मन धीरा। अज कहि प्रभु अनुजय समझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। प्रथम प्रणाम किन्न सुरनाई, बैचे पुल तर डर बड़साई। जब दिवे सन प्रभु पई आई, पाछे रावण दूत पठाई। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देह। प्रभु गुण रथ सराहहि, शरणागत पर देह। साधे हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना।
प्रग जब बखाने राम सुभाऊ अति स प्रेम का बिसर दुराऊ के दूत कपिल तप जाने सकल बांध कपीस पयाने का सुग्रीव सुनौ सब बानर अंग भंग कर कठिन सिचर सुन सुग्रीव मचन कप धाए बाज कटक चौ पास पे आए बहु प्रकार मारंग पिलागे दीन अपकार तद पिन त्याग जो हमार हर नाचा काना ते ही कोसला दीश के आना सुनिल चमन सब निकट बोलाए दया लागी हस दुरत छुड़ाए रावण कर दी तब यह बाती लक्ष्मण वचन बाच पन लगा दी कहो मुखागण मुड़ सन रामा मम संदेश उदार सीता दे मिलहु नत रामा आवा काल तुम्हार तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा चले दूत बरनत गुन गाथा कहत राम जस लंका आए रावण चरण शीश तिनाए बीस दसानन पूछी बाता कैसन सुख आपन कुसलाता मुन कहु खबर विभीषण केरी चाहे मृत्यु आई अति नेरी दरत राज लंका सत्य त्यागी हो यही जब कर की चाभागी मुन कहु भालु केस पट खाई कठिन काल भेर चली आई जिनके जीवन कर रखवारा भयो मृदुल चित संद विचारा कहु तब सिनके बात बहोरी जिनके हृदय त्रासी अति मोरी घी मई बैठ की फिरी गए शवन सुजस सुनिमो बहुत नर पुतल तेज बल बहुत जगत चित तोर नाथ कृपा कर पूछो जैसे मानो कहा क्रोध तज जैसे मिला जाए जब अनुज तुम्हारा रावण दूत हमें सुनिकाना कपिल बांध दिन है दुखनाना रवन नाचिका काटे लागे राम सपत दीने हम त्यागे पूछो नाथ राम कचकाई बदन कोटि सद वर्ण न जाय खाना वर्ण भालु कपिधार विकटानन विशाल भयकारी जयपुर दयु अदयु सुत तोरा सकल कपिल मत मल थोरा अमित नाम भट कठिन कराला अमित नाग बल विपुल विशाला विविध मयंद नील लला अंगद कट पिकटासी नदिमुख के हरिन सट सट काम मंत बलरासी एक भी सब सुग्रीव समाना इन सम गुड लगन को नाना राम कृपा अतुलित बल ते नहीं प्रण समान त्रैलोक ही करहिं असमय सुना शवंद स्कंदर पदम अघार सूत बंदर आज कटक महासोक बिनाही क्यों न तुम ही जीते रनवाही प्रथम क्रोध मीजई सब हाथा आय सब न दही रघुनाथा सोचई सिंधु सहित जस प्याला पूर ही नत भर कुदर विशाला मर्द गर्द मिलवई दस सीसा ऐसे वचन कहे सब कीसा कर जही तर जही सहज असंका मानव प्रसन्न चहत होई रंका सहज सूर कपि भालु सब उन सिर पर प्रभु राम रावण काल कोटि कहु जीत सकई संग्राम नाम तेज बल विधि विपुलाई शेष सहत सत सकई नगाय तकतर एक सोच सत सागर तब साथे पूछो न नागर दास वचन सुन सागर पाही मांगत पंत कृपा मन माही सुनत वचन बे सागर दीसा जो मति मति सहाय कर दीसा सहज भीर कर वचन नड़ाई सागर संठानी मचलाई ओढ़ मजा का कर सिबड़ाई जब बल बुद्धि का हमें पाई सचिव सभी तुम भीषण जाक विजय विभूति कहाँ जग ताके समय विचार पत्रिका काणी रामानुज दीनी हाँ पाती नाथ बचाए जुड़ा भैरव बिस काम कर ली दी रावण सचिव बोल सड़े लागे बचावन रावण ने राम जी की सेना का भेद जानने के लिए अपने विश्वस्त दूत शुक को राम जी की सेना में प्रवेश करा दिया। सारे समाचार लेकर आया। लक्ष्मण जी ने एक पत्र दिया था वो भी लेकर आया। रावण ने कहा बाँचो क्या लिखा है। पत्र बाँचा गया कि जैसा आपके भाई ने किया वैसे आप राम जी की शरणागति प्राप्त करें, राम जी से संधि करें, युद्ध को टालें। कि बातन मन ही रिझाई सठ जनिघालस गुलखीस राम विरोधन उबरसी सरज विष्णु अजरी की तजिमान अनुजीव
प्रभु पद पंकज भ्रंगी होए की राम सरानल कल कुल सहित पतंग। लेकिन शुक का भी रावण ने वही हाल किया जो विभीषण जी का किया था, उसे भी चरण से प्रहार कर सभा से प्रहार कर दिया। सुनत सभय मन मुख मुसकाई कहत दसानन सभी सुनाई हो सुखनाथ सत्य सम बानी समझाऊं छाड़ी प्रकृति अभिमान सुनो भजन मम हरि हरि राम सन जो विरोधा अति कोमल रघुवीर सुभाव यद्यपि अखिल लोक कर राहु कृपा तुम पर प्रभु करहि अपराध नए कहु धरहि जनक सुता रघुनाथ दीजे इतना कहा मोर प्रभु की जब से कहा देत पे दे चरण प्रहार की सटते ही नाई चरण सिर चला सुता कृपा सिंधु रघुनायक जहा पर राम निज कथा सुनाई राम कृपा आप गति पाई ऋषि अगस्त की साफ भवानी राक्षस भयो रहा मन गानी वंदे राम पदवा रहे मारा मन दिया सर्व भव धारा। शुक ने भी सभा का त्याग किया, पहले राक्षस था पहले मुनि था, लेकिन साफ राक्षस हो गया था। पुण्य मुनि यश्न में राम जी की शरणागति प्राप्त की। इधर समुद्र पर तीन दिन हो गए, राम जी बारवा विनय कर रहे हैं समुद्र प्रकट हो हमें कोई रास्ता बताएं, हमारी सेना उधर जाना चाहती है। लेकिन जड़ समुद्र नहीं आया कि विनय न मानत जलधि जड़ा गए तीन दिन बीत बोले राम सकोप तब भय भी न हो न प्री। राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण मेरा तीर कमान लाओ, मैं अग्निबाण के संधान से समुद्र को सुखा दूंगा। राम जी ने तरकश पर तीर चढ़ाया कि लक्ष्मण बाण सरा सरानु सौ सौ बार दिभिषक किसानु सट सन विनय कुटिल सन प्रीति साजक बल सन सुंदर नीति उदी उदधि उर अंतर जाला मकर उर छकुलाने जरत 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 जाने कन कथार भय मन गन लान विप्र रूप आयो तज मान जैसे ही राम जी ने अग्निबाण का संधान किया समुद्र का हृदय जलने लगा। जितने जल चढ़ते बिलकने लगे ब्राह्मण का रूप रखकर दोनों हाथों में स्वर्ण के थाल लेकर समुद्र राम जी के पास आया। त्रहिमाम सरकार आने में विलंब हुआ। काचे उपाय कदरी फरही कोटी जतन कौसीच बिनय न मान खगेश सुनो डाटे उपाय नवनी। बार बार आपसे आग्रह करते हैं या माइक वाले बार बार बोल रहे थे कि अपनी थाली को उठाकर डस्टबिन में डालो, लेकिन कई लोग थाली को वहां रख रहे थे कि आप उठाकर ले जाएंगे। ये व्यवस्था आपकी अपनी है। बार बार निवेदन कर रहे थे कि गिलास वहां मत डालो डस्टबिन में डालो, लेकिन गिलास वहीं डाल रहे थे। हम अपनी आदत से मजबूर हैं। काकभुजुंडी जिसमें कहते हैं रामायण में क्या ये काटे पाई कदरी फरही केले को कितना सीज दो लेकिन फलेगा नहीं, उसको काटना पड़ता है। वैसे ही नीच को कितनी भी नहीं कर लो, जिसमें दिमाग में नीचता भरी है कि मुझे तो गंदगी करना है, मुझे तो ये काम नहीं करना है, मुझे दरबार में आकर कुछ नहीं करना है, तो लिखा है काकभुजुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी से कि विनय न मान खगेश सुनू डांटे पै नऊ नीच। कितना ही गंवार को समझा लो नहीं समझेगा, उसे डांटना पड़ता है। बार बार आपको माइक पे डांट पड़ती है कि ये थाली उठाकर यहां रखो, ये गिलास उठाकर यहां रखो, लेकिन हम नहीं सुनते हैं। आज सुन लेना विनय,
कि जितनी सफाई दरबार में रखोगे उतना आपका जीवन पवित्र होगा, उतना आपका मन पवित्र होगा। जितनी गंदगी आप फैलाओ, कितने लोग हैं अपने बात अपने बेडरूम में थूकते हैं, कितने लोग इसमें से, कितने लोग इसमें से हैं जो अपने बेडरूम में जूते चप्पल लेकर जाते हैं गंदे, कितने लोग हैं? नहीं, हम हमारे घर को स्वच्छ रखना चाहते हैं लेकिन दरबार को गंदा रखना चाहते हैं। प्रण करके आते हैं घर से कि हम तो गंदगी फैलाएंगे, आप कुछ भी कर लो, चिल्ला चिल्ला के इन लोगों के मुंह फेर, अरे भैया ऐसा कर लो ऐसा कर लो। तो कृपा करके मैं इस मंच से इस व्यासपीठ साहब से कहता हूँ कि अब सुधर जाओ, अगर आप स्वच्छता रखोगे तो आपका जीवन स्वच्छ। देखो मेरे बाबा का दरबार कितना स्वच्छ हो गया, इन लोगों को प्रेरणा होगी बालाजी की, कितनी गंदगी थी, जाने में पैर पूरे कीचड़ से भर जाते थे, अब कितनी साफ सफाई बिल्कुल। आप बाबा के दरबार में जाओ ऐसा लगता कि बार बार जाएं। तो आप जितनी स्वच्छता रख सकते हो, निवेदन है आपसे कि उतनी स्वच्छता रखें, और जितने कार्यकर्ता आपको कहते हैं उनका कहां माने। एक बार राम जी का सीताराम सीताराम, तो समुद्र दोनों हाथों में स्वर्ण के थाल लेकर राम जी के सामने गया, प्रभु त्राही माम मुझे क्षमा करें। कहा राम जी मर्यादा में किसने बांधा? राम जी ने कहा मैंने बांधा, आपने मर्यादा में बांधा, आपको मर्यादा तोड़ दो सूख जाऊं, प्रभु प्रताप में जाप सुखाई उतना ही कटक ने मोड़ भाई, मैं सूख जाता हूं आपकी सेना को उस पार ले जाओ राम जी। लेकिन फिर संसार आपको कहेगा कि राम जी ने स्वार्थ के लिए संसार को समुद्र को सुखा दिया। चलिए आगे की प्रसंग की ओर, कि सब सिंधु गई प्रभु पद के रे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे, कब प्रेरित माया उपजाए, सस्ती है तू सब ग्रंथि न गाए, प्रभु आय सुजय कह जस आए, सोत ही भांति रहे सुख लहाए, प्रभु बल खिल मोही सुख दिल, मर्जादा मुनि तुमरी दिल, ढोल गवार सूत्र बसुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, प्रभु प्रताप में जाप सुखाई, उतर ही कट को न मोरी बढ़ाई, प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करो सुवेग जो तुम ही सुहाई। राम जी ने समुद्र से पूछा, समुद्र ये हमारी सेना उस पार कैसे जाएगी? बस इस प्रश्न का उत्तर दे दो आप, एक उपाय बता दो कि हमारी सेना किस प्रकार उस पार जाएगी। कि सुनत विनीत वचन अति, कहा कृपाल मुस्काई, जेहि विधि उतरे कपि कटकू, तात सुख है उपाय। हे समुद्र उपाय हमको बता दो। समुद्र ने कहा सरकार मैं आपको क्या उपाय बता दूं, आपने ही सृष्टि को चाहे पर आप मुझसे पूछते हैं, आप भक्त का मान बढ़ाने वास्ते पूछ रहे हैं। मैं बताता हूं प्रभु कि आपकी सेना में नल और नील नाम के दो बंदर हैं। बचपन में ऋषियों से इन्हें आशीष प्राप्त है कि जिस चट्टान को जिस पत्थर को स्पर्श करेंगे वो आपकी कृपा से समुद्र में तैरेंगे। आप नल नील से पत्थरों को स्पर्श कराइए, चट्टानों को स्पर्श कराइए, बानर भालू वो लाकर यहां समुद्र में फेंकेंगे, इन तैरते हुए पत्थर को एक किए एक कीजिए और राम सेतु का निर्माण करिए, आपकी सेना इस पार से उस पार चल जाइए। बोल श्याम रामचंद्र नाथ, नील नल कपि दो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाए, जिनके परस किए गिर भाई, तरि हई जलधि प्रताप तुम्हारे, मैं पुनि उर धरी प्रभु प्रभुताई, करियहुं बल अनुमान सहा, एहि विधि नाथ पयोधि बताई, जेहि अह सुजसु लोक तिहु गाइयो, एहि शरमम उत्तर तट बासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी, कपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि
राम रन धीरा देखी राम मल पुरुष भारी हर सिपायो निधि भयो सुखारी सकल चरित कहे प्रभु ही सुनावा चरण बंदी पाथो ही सिरावा सियावर रामचंद्र भगवान की। इतना कहकर समुद्र अपने भवन को चला गया। आगे लंका कांड में प्रभु श्री राम लिंग की स्थापना करेंगे रामेश्वरम की और आगे सेना प्रस्थान करेगी लंका की ओर। दोनों हाथ उठाकर बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बलबालाजी महाराज की जय। प्रेत्रा सरकार की जय। भैरव बाबा की जय। आइए अंतिम छंद की ओर चले। बालाजी महाराज से प्रार्थना करें प्रभु श्री राम से कि जीवन के हर मोड़ पे आप हमारी साथ चलना हमारी रक्षा करना। आइए इस प्रसंग की ओर चलें। मेरे नारायण दे किसी राह में किसी मोड़ कहीं चल देना तू छोड़ कर मेरे हम सफर सफर मेरे हम सफर। ये तो सबको आता है गाएंगे गाओ किसी मो कहीं न देना छोड़ कर मेरे हम सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर। श्री रघुपति गिया मत भाय हो रघुपति मत भाय यहाँ चरित कली मलहर जथा मतिदास तुलसी गायो सुख भवन सन सय समन दमन विषाद रघुपति गुन गना जय राम जय राम किसी राह में किसी मोड़ पर किसी राह छोड़ कर मेरे हम सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर। जिन्होंने बाबा के दरबार में सुंदरकांड का पाठ किया उसको क्या मिलेगा। जितने संसार के मंगल नहीं जितने सुमंगल हैं सब उसे प्राप्त होंगे। भव सागर पार करने के लिए किसी प्रकार की नाव की जहान की आवश्यकता नहीं होगी। आइए अंतिम दुहा गाएं कि सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान सादर सुनही तेतरही भव सिंधु बिना जलयान सिंधु बिना जलयान सियावर रामचंद्र शंकर हरियो। बाबा जी सबका मंगल सुमंगल सब हो। सुंदरकांड की प्रस्तुति आपने सबने सुनी। जैसा कि बाबा तुलसीदास जी ने कहा
ब्याज जी की मुखाग्र आप लोगों ने सुना, उनके मंडल ने इतना अंदर संगीत जो दिया, आपके दिल को लहराया या नहीं लहराया? कितने लोगों का दिल लहराया? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो ये बात मानते हो कि आनंद है जीवन में, दुख नहीं है, सिर्फ सोच है अपनी। वास्तविकता दुख नाम की चीज कोई जीवन में है ही नहीं, हम उसके पीछे भागते हैं, इसलिए वो दुख होता है। जो परमात्मा ने दिया है बस उसको महसूस कर लो, उसी में सुख शांति है। होड़ नहीं, और बचन लो, जितने यहां बैठे हैं जो बोतल वगैरह जो पड़ी है, बोतल किसी की भी फिकी हुई हो, उठाएंगे और डस्टबिन में डालेंगे। बिल्कुल जब यहां से उठे ऐसा लगे कि मेरे बाबा का दरबार कल भी ऐसा ही मिलेगा मुझको, ठीक है ना। और जब भी कहीं हम किसी की शादी ब्याह कोई सत्संग में भी जाए, कोई दोष नहीं, अपना काम भी करो और कोई दूसरे का भाई पड़ा हो तो डाल दो। मैं भी पानी पीने गया था, एक बच्चे का पड़ा हुआ था, कोई डाल गया, मैंने खुद उठाया डस्टबिन में डाल। ये मत को तूने ऐसा क्यों किया, मेरे प्रभु ने ये काम मेरे को सौंपा है इसलिए मुझको करना है, ये दोष दूसरे को मत दो, ये मन में उतार लो, इस जीवन में कितनी कठिनाइयां आपकी दूर हो जाए। और जब आप ऐसा सोचोगे तो ये विचार दूसरे के मन में भी उत्पन्न होंगे। तो कल सुबह जिसको भी मार्गदर्शन लेना हो, प्रातः 7 बजे ऊपर गुरुवर हॉल सत्संग हॉल में हमसे संपर्क कर सकता है। जिन लोगों को गोद भरवानी हो वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक 9 बजे यहाँ पर हवन की शुरुआत होगी, जिसको यज्ञ होगा। हर प्रकार के संकटी कष्टी परेशान लोगों के लिए ये व्यवस्था बनाई है। और एक सूचना, डॉक्टर अनिल जी यहाँ पर जो पधारे हुए हैं, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, 32 नंबर कमरे में ऊपर रुके हुए हैं, किसी को आधी रात को दवा की किसी भी प्रकार जरूरत पड़े जा सकता है। और इन्होंने आपके लिए हर महीने 20 तारीख को यहाँ सेवा देने आते हैं। और इन्होंने इस बार एक इन्होंने अपना मेडिकल चेकअप के लिए एक इन्होंने मशीन जर्मन से मंगाई है, जो टेस्ट आप लोग अपने डॉक्टरों से कराते हैं, अपने मेडिकल स्टूडेंट पर जाते हैं, वहाँ 2500 से 3000 रुपए का होता है, वो मात्र यहाँ आप लोगों की और हमारी और बाबा की कृपा से ये यहाँ 300 रुपए में उस कोर्स को कर रहे हैं, टेस्ट को। जिनको भी कराना हो वो करा सकता है 2 मिनट के लिए। और सबसे शुभ बात जो आप कई बार लोगों को छुपाते हो, एक दूसरे को घर में बता नहीं पाते हो, जिस किसी को बवासीर की शिकायत हो, निशुल्क हर महीने 11 लोगों को इस दरबार से दवाई फ्री दी जाती है। किसी प्रभु के भक्त ने यहाँ पर ये एक अपनी जड़ी बूटी पहुँचाई थी और हर महीने 11 लोगों को, जो विशेष लोग से परेशान हो, वो डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं, बवासीर की दवाई ले सकते हैं। ये गारंटी है कि 3 दिन के अंदर बवासीर आपकी पूरी तरीके से कट ऑफ हो जाएगी, चाहे करोड़ों रुपए आपके खर्च हो चुके हों। हर महीने 11-20 तारीख को, और बाकी कल फिर 11 दिन के लिए ये दवाई देंगे, जो भी पहले 11 लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। कितने बजे खोलेंगे आप? 9 बजे प्रातः 9 बजे क्लिनिक खुलेगी, 1 नंबर कमरे में कार्यालय के सामने। जो भी 11 लोग पहले पहुंचेंगे उनको वो दवा मिल जाएगी, बाकी हर महीने 20 तारीख को जी। तो बस कल आप लोगों को फिर 9 बजे हवन में मिलना है। मेरी ब्याज जी और ब्याज जी के मंडल से भी आग्रह है कि कल 7 बजे हमको मंच पर बैठना है, 8 नहीं बजेंगे, 8:15 नहीं बजेंगे, क्योंकि सब तैयारी है। जो भी टेंट वाले हैं, म्यूजिशियन हैं, जो भी सजावट वाले हैं, हमको यहाँ पर 6:30-6:30 तक पूरी व्यवस्था दे दे। अभी से हमारा आग्रह है, कल ठीक 7 बजे से हमारे प्रभु का दरबार यहाँ से आरंभ होगा। कल विशेष कृपा भजनों के माध्यम से आपके संकट किस प्रकार कटेंगे ये आप खुद अपने आंखों से देखेंगे। और अभी जो कृपा आपने महसूस की होगी वो आपका मन और दिल बोल रहा होगा, तो एक बार बोले जय जय श्री राम। भोजन प्रसादी